नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, जिसमें आप सभी साधकों का स्वागत। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे जो ऐसे साधक हैं जिनकी इष्ट भगवती महाकाली हैं या बाबा भैरवनाथ हैं। तो ऐसे जो मेरे साधक हैं, उन साधकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कोई शक्ति की साधना कर रखी है और आपकी इष्ट भगवती काली हैं, तो आप ऐसे में आप बाबा भैरव नाथ और महाकाली दोनों की कृपा एक साथ कैसे प्राप्त करें। और अगर आपने कोई सात्विक साधना कर रखी है बाबा भैरव नाथ की या महाकाली की, तो आप उसको कैसे तामसिक स्वरूप में शक्ति को हासिल करें, इसके लिए मैं आपको दोनों मंत्रों का एक ऐसा समावेश बताऊंगा जिसके आप अनुष्ठान से, जब से आप दोनों शक्तियों की एक साथ कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा होगी। जिसके अगर आप अनुष्ठान करते हैं या अपने इष्ट स्वरूप इस मंत्र को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको धन धान से संपन्नता मिलेगी, आपके अंदर आकर्षण घटित होगा, विद्या तत्व तो आपका प्रबल होगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और दोनों शक्तियों की कृपा एक साथ प्राप्त होगी। और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा विधान नहीं है, बहुत ही सिंपल सा विधान है। इसमें आपको एक धूप बत्ती लेनी है, सरसों के तेल का चिराग लेना है, बतासे लेना है, पान लेना है डंडी वाला, फूल और लौंग, इतना सा सामान लगेगा। और ये जो आप साधना करेंगे, ये साधना मात्र 21 दिनों की होगी। और साधना में जो आप माला का उपयोग करेंगे, वह माला रुद्राक्ष की होगी। और आप किसी भी शनिवार के दिन से या मंगलवार के दिन से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। और साधना करने की जो दिशा है वह उत्तर रखिएगा या पूर्व रखिएगा, क्योंकि उत्तर या पूर्व अगर आप साधना की दिशा रखते हैं, तो जो साधना के समय कोई किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते हैं और बिल्कुल जो शक्ति, जो एनर्जी होती है वह बिल्कुल सौम्य स्वरूप में होती है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती है। और यही साधना आप शमशान भूमि में भी कर सकते हैं, आप किसी भी शुभ दिन में एक रात में ही यह साधना संपन्न कर सकते हैं। और यह प्रत्यक्षीकरण की साधना है जो आप 21 दिनों की साधना करेंगे, इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा। लेकिन अगर आप यही साधना आप शमशान भूमि में करते हैं, तो यह प्रत्यक्षीकरण की साधना है। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप यह साधना जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह सिर्फ जानकारी हेतु है, आप इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के करें। अगर आप किसी योग्य गुरु की देख रेख में अगर यह साधना करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और इस साधना को करने के लिए आपके पास सुरक्षा कवच होना बहुत ही ज़रूरी है। और पहले आप सुरक्षा कवच की सिद्धि कर लें मजबूती से, और उसके बाद सुरक्षा कवच का प्रयोग करें, चाहे वो कुंडल वाला सुरक्षा कवच हो या कोई ऐसा सुरक्षा कवच हो जिससे कि आपकी सुरक्षा हो सके। लेकिन आप बगैर सुरक्षा के आप इस साधना को बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे ही आप इस साधना करना प्रारंभ करते हैं तो शमशान जागने लगता है, और शमशान की जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की शक्तियां हों, वह सब जागने लगती हैं और वह साधक को परेशान भी करती हैं और वो भोग के लिए उत्पाद भी मचाती रहती हैं। तो आप पहले ये सिंपल सा विधान है नोट कर लीजिए, और जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं प्रयास करूँगा कि आपको जो शमशान काली का जो विधान है इसी मंत्र का
और बाबा भैरवनाथ का जो शमशान भैरव हैं उनका जो मंत्र है ये मैं बताऊंगा कि आप शमशान में कैसे करें और एक रात में कैसे करें। और ये मंत्र जिनकी देवी इष्ट महाकाली भगवती काली इष्ट हैं वो इस मंत्र को अपना इष्ट मंत्र बना सकते हैं, या जिनका बाबा भैरवनाथ के प्रति आस्था है, काली और भैरव दोनों में आस्था है, वह इसको अपना मूल मंत्र बना सकते हैं। तो आप मंत्र को नोट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको साधना को कर सकते हैं। अगर आप 21 दिनों का अनुष्ठान करते हैं तो आपको फिर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप शमशान में करते हैं तो बगैर गुरु की रेख देख के बगैर आप कतई साधना ना करें, सुरक्षा मंत्र ज़रूर रखें। तो आप मंत्र नोट कर लीजिए, ह्रों महाकाल भैरवाय क्रीं कालिके फट, ह्रों महाकाल भैरवाय क्रीं कालिके फट। ये मंत्र है, आप इसको अपना मूल मंत्र भी बना सकते हैं जिनकी भगवती काली या बाबा भैरवनाथ इष्ट हैं। और ये बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है, इसमें भगवती महाकाली और बाबा भैरवनाथ एक साथ दर्शन देते हैं और एक साथ अपनी कृपा बना कर रखते हैं। और जिस पर महाकाली और बाबा भैरवनाथ की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाए उसका कोई भी तांत्रिक ओझा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और आप इस मंत्र के माध्यम से अनेकों कार्य कर सकते हैं, यहाँ तक कि षटकर्म कर सकते हैं। मैं आगे भविष्य में इस मंत्र के कई विधान आपको बताऊँगा जो कि आप बड़ी आसानी से मंत्र सिद्ध होने के बाद आप किसी का भी झाड़ा लगा सकते हैं, किसी के मकान का कीलन कर सकते हैं, या किसी के स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं, किसी की नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटा सकते हैं। तो इसी मंत्र के माध्यम से आप किस प्रकार से आप किसी भी तंत्र की काट कर सकते हैं, किसी का विद्वेषण कैसे कर सकते हैं, किसी का वशीकरण कैसे कर सकते हैं, मैं इसके अलग अलग प्रयोग बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो आप इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना कतई ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। नमस्कार।